तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कमी अच्छ पिले, तो निश्चय बहुत बिंदास थी, बढ़िया से थी। तो देखो पिले, तुम सॉलिड स्टेट फिजिक्स आउ गोटे क्लास तुमको आउ गोटे पार्ट समस्त वेलकम। तो आज मैं पार्ट थ्री वीडियो विषय डिस्कशन करवा। तो पार्ट थ्री वीडियो में कौन विषय डिस्कशन करी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो या पूर्व आम कौन पार्ट टू वीडियो देख लु क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन, एमोरफस सॉलिड कौन, तो विषय डिटेल्स देख लु। पार्ट वन वीडियो रे क्रिस्टल स्ट्रक्चर विषय देख लु। एवं तार डिटेल्स भितर को जीवा, जो तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छे तार कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अच्छी, तार क्लासिफिकेशन कौन अच्छी, तो विषय देखा वन बाय वन है। तो देख पिले, तो कौन कही क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो कोई क्लासिफिकेशन मीन्स कौन कराई, डिफरेंशिएट कराई अलग अलग कैटेगोरी रखाई है। तो कौन कही देख, वेरियस कैटेगोरीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ओपन द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो कौन अच्छे कौ टाइप तार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन एटम मॉलिक्यूल जो अच्छी सर कौ टाइप अच्छी। नेक्स्ट द नेचर ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो क्या क्या डिपेंड कर जो आम डिफरेंशिएट करूँ, कौ टाइप पार्टिकल अच्छी, कौ टाइप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स तुम कौ टाइप एटम्स अच्छी, कौ टाइप मॉलिक्यूल्स अच्छी है, तो कौ टाइप बॉन्ड अच्छी, तो नहीं कि नेक्स्ट नेचर ऑफ द कौन नेचर ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो कौ टाइप फोर्स अच्छी, अधिक फोर्स अच्छी कि कम फोर्स अच्छी, यही दुईटा कनसेप्ट को लेकिन मीन्स या आधार करके आम सॉलिड को चार्टा पार्ट डिवाइड कराई कौन पहले चार्टा पार्ट रे है। तो से कही वेरियस कैटेगोरीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल, कौन रहा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल एंड नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगोरीज, कितना फोर कैटेगोरीज। तो शॉर्ट क्वेश्चन मन रख, सॉलिड को हम कितना पार्ट डिवाइड कर चार्टा पार्ट रे, कौन कौन गोटे रहा पे तुम आयोनिक सॉलिड, गोटे रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड, गोटे रहा तुम कोवेलेंट सॉलिड, गोटे रहा तुम कौन रहा तुम्हारा मेटालिक सॉलिड, बुझ पाला पिले। तो चार्टा पार्ट रे, तो हमें डिटेल्स वन बाय वन सब डिटेल्स वन बाय वन पढ़ा। तो फर्स्ट रहा कौन तुम आयोनिक सॉलिड, सेकंड रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेक्स्ट रहा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कहीपर, नेक्स्ट रहा तुम मेटालिक सॉलिड, बुझ पाला। टोटल चार्टा पार्ट रे डिफरेंशिएट कराई, बुझ पाला पिले। तो आज क्लास मेन टॉपिक रहा कौन तुम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देख या पूर्व जो पार्ट टू वीडियो तुमको बतेली आमको सॉलिड को जनरली दुटा पार्ट डिवाइड कराई, गोटे रहा तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड आउ गोटे रहा तुम एमोरफस सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड विषय पढ़ु तार प्रॉपर्टीज विषय सब डिटेल्स पढ़ु आम देख, एमोरफस सॉलिड विषय बेस किसी पढ़वार ना, सब जिन क्रिस्टलाइन विषय हिं सब डिटेल्स पढ़वार अच्छे है। तो तापर पुणि क्रिस्टलाइन सॉलिड को पुणि चारटा पार्ट डिवाइड कराई, गोटे रहा तुम आयोनिक सॉलिड, गोटे रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड, गोटे रहा कोवेलेंट सॉलिड, गोटे रहा मेटालिक, कौन रहा तुम मेटालिक सॉलिड, बुझ पाला पिले। चलो तो फर्स्ट देखिए कौन आयोनिक सॉलिड, कौन पिले तुम आयोनिक सॉलिड है। तो कौन कही आयोनिक सॉलिड्स आर द कौन कही आर द सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन है, ना जना पड़ी। देखो आयोनिक सॉलिड मतलब कौन आयन प्रोड्यूस कर, कौन प्रोड्यूस कर आयन मतलब काटायन आयन, बुझ पाल काटायन आनायन प्लस माइनस है आयन प्रोड्यूस करती ना हूँ तुम कौन आयोनिक सॉलिड, कौन पीले तुम ना हूँ तुम आयोनिक सॉलिड। जमी गोटे छोटे एग्जांपल देख, मुझे जो कहि तुम NaCl कौन पीले NaCl है, तो NaCl कौन सल्ट, तो ये गोटे कौन क्रिस्टल, ये गोटे कौन क्रिस्टल एंड स्ट्रक्चर, ताको मुझे ब्रेक करुच्चे कौन कहीपर Na प्लस प्लस सीएल माइनस, कौन एन ए प्लस सीएल माइनस है। तो ये दुटा कौन एन ए प्लस आउ सीएल माइनस कौन एगुड़ा हूँ कौन आयन्स, एगुड़ा कौन आयन्स। तो एन ए प्लस आउ सीएल माइनस आयन दुटा कंबाइन होकर कौन होती तुम NaCl क्रिस्टल केक तैयारी होती। तो तुम नारू ही जान पड़ थो कौन आयोनिक सॉलिड मतलब से मैंने आयन्स तैयारी होते, बुझ पाल। तो सही आयोनिक सॉलिड्स आर द सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, अपोजिटली चार्ज आयन मीन गोटे पॉजिटिव आयन गोटे रहा नेगेटिव आयन, काटायन गोटे रहा नेक्स्ट आनायन। They are composed of positively charged cation and negatively charged anion. बुझ पाल तुम कही obviously ionic solid कौन composition of किंबा combination of कौन two oppositely charged ion, गोटे बोली positive ion, गोटे उस negative ion। तो सी कही they are composed of positively charged cation, positively charged cation and negatively charged anion. Clear? आगू चल। These ions are held together है by the electrostatic force है। तो देख पे कौन अच्छे गोटे पॉजिटिव काटायन अच्छे नेगेटिव कौन अच्छे आनायन अच्छे से कौन अच्छे तुम जान अपोजिट चार्ज आट्राक्ट इच अदर। तो से भर जो फोर्स अच्छे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पॉजिटिव मीन तुम डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस भितर जो फोर्सटा थाए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जोटा आम कुलम्स लॉ रे पढ़ु, बुझ पाल पिले। तो से कहे दिस आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इन केस ऑफ द सोडियम क्लोराइड NaCl आयोनिक सॉलिड इज ए कंपोज्ड ऑफ सिंपल आयन
जमी तुमको एन ए सी एल रोन स्ट्रक्चर बतैली है सिंपल आयन एन ए प्लस आ सी एल माइनस है कंपोस्ट ऑफ सिंपल आयन फेयर आज इन केस ऑफ एमोनियम एमोनियम नाइट्रेट एन ए फोर सी ए कौन रहा एन एच फोर एन ओ थ्री आयनिक सॉलिड इज द कंपोस्ट ऑफ पोली एटॉमिक आयन्स कौन रहा है पोली एटॉमिक्स आयन विथ एन एच फोर प्लस कौन रहा तुम एन ओ थ्री माइनस बुझे दिज इज कौन पोली एटॉमिक आयन है तो ये रहा सिंपल आयन आई रहा तुम कौन पोली एटॉमिक आयन कौन रहा पे पोली एटॉमिक आयन है आई होप स्टूडेंट तुम आयनिक सॉलिड विषय डिटेल्स बुझीपार तो मुझे तुमको कौन बुझेली क्लासिफिकेशन सॉलिड रे चार्ट पार्ट में सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करी है कौन रहा गोटे आयनिक सॉलिड गोटे रहा मॉलिक्युलर सॉलिड गोटे रहा कोवेलेंट सॉलिड गोटे रहा मेटालिक सॉलिड है तो तुमको डिस्क्राइब कली कौन आयनिक सॉलिड विषय है तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दिव बोले तो नेक्स्ट देख पे कौन देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड तो एग्जाम तुम पढ़ी पारे पे तुम डिफाइन आयनिक सॉलिड कौन आर एग्जांपल्स कौन आर कौन कैरेक्टरिस्टिक्स पचारदेपे तो देख फर्स्ट बिट वन है कौन प्रॉपर्टीज अच्छी दे आर हाइली कौन हाई मेल्टिंग पॉइंट तो तार मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिका कौन तार मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिका है जो एग्जांपल कह कौन पे तुम देख लो एन ए सी एल गोटे कौन बेस्ट एग्जांपल कौन आयनिक सॉलिड बेस्ट एग्जांपल कार कौन पे आयनिक सॉलिड है तो कौन यार हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिका था कौन पे यार मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिका है तो सिंपली तुम जानव आयनिक जितकी सब कौन आयनिक कंपाउंड अच्छे कौन अच्छी पे तुम आयनिक कंपाउंड अच्छे तार मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज तार बॉइलिंग पॉइंट है बहुत अधिका है कौन पे अधिका ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बुझिपाल भितर कौन अच्छी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन तुम जो एन ए प्लस अच्छी तुम कौन आउ काटायन आनायन भितर एन ए प्लस आ सी एल माइनस जो अच्छी है ताको भीतर जो अट्रैक्शन टा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत अधिका थाए हला सेति पई हला सेति पई तांकर कोन मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट टा बहुत अधिका तो मन रखिता आयनिक सॉलिड रो मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिका बुझ पालो एडा ला फर्स्ट पॉइंट हला कि ओदे रीजन पचार देला कोन पई तांकर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिका ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तांकर जो कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा बहुत अधिका बुझ पालो चलो सेकंड पॉइंट को आसो दे आर यूजुआली सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट है देखो पहले पोलार सॉल्वेंट मीन्स तुम जनरली कौन कौन जार डायपोल मोमेंट अच्छी है कौन पोलार कौन पोलार सॉल्वेंट है मीन्स तुम एग्जांपल मुझे कह वाटर वाटर इज अ कौन पोलार सॉल्वेंट वाटर इज अ कौन पे पोलार सॉल्वेंट है तो आयनिक कंपाउंड जितक अच्छी पोलार सॉल्वेंट रे से माने कौन डिजॉल्व होइजबे एन ए सी एल को तुम पानी में पकेबो आराम से डिजॉल्व होइजबो हला किंतु बट नॉट डिजॉल्विंग नॉन पोलार सॉल्वेंट एवं नॉन पोलार सॉल्वेंट कौन जमी तुम कहीपर बेंजीन होगा टॉलुइन होगा अल्कोहल होगा दिज आर कॉल्ड नॉन पोलार सॉल्वेंट बुझ पालो तो तुम जो सॉल्ट को सेतिरे पकोचो तो सेतिरे से माने डिजॉल्व हेबे नाही बुझ पालो पले ताले जानी था सेकंड पॉइंट रे हम कौन बुझिलु आयोनिक सॉलिड्स आर डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट जस्ट लाइक वाटर हला बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट लाइक टॉलुइन तोर बेंजीन अल्कोहल दिज आर कॉल्ड नॉन पोलार सॉल्वेंट क्लियर पिले दुटा पॉइंट बुझीगला नेक्स्ट आस थर्ड पॉइंट दे आर बेसिकली इन्सुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एगुडा कौन पिले इन्सुलेटर्स कौन पिले तुम्हारे इन्सुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो मीन्स ये करेन्ट कंडक्ट हेबो नाही हला आज आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव है तो तुम जान गोटे कंडक्टर रे करंट कौन पे फ्लो हुए ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जदि गोटे कंडक्टर रे कि गोटे कंपाउंड रे किसी भी जिनस कह कंडक्टर कह कंपाउंड कह एलिमेंट कह व्हाट एवर जहाँ भी कहो कह जदि से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अच्छे तेल कौन करंट फ्लो हम किंतु जेहेतु गोटे कौन आयोनिक कंपाउंड कौन हो तुम आयोनिक कंपाउंड है तो प्लस माइनस कौन हो तुम न्यूट्रलाइज हो कौन करंट फ्लो हम ना बट दे बिकम्स गुड कंडक्टर इन एक्वस सल्यूशन है देख सल्ट मुझे कह ड्राए सल्ट को नेबी शुखिला लुण को नेबी से करेन्ट फ्लो करी करेन्ट फ्लो हम ना कि लुण को तुम पानी में पकई दौ कौन कर लुण को तुम पानी में पकई दौ तो कौन हो गए सल्यूशन क्रिएट होती करेन्ट फ्लो हम से कौन हम करेन्ट फ्लो हम बुझिपाल पे तो सहीटा ही सही दे आर बेसिकली इन्सुलेटर है आज आयन्स आज ए आयन मतलब आज ए इंडिविजुआल आयन से कौन इन्सुलेटर बट कौन पाई why it is insulator because they do not have any free electron to move hala but becomes good conductor when it is in aqueous solution jodi tumata pani sath mix kar doucha tar sete it is a behave as a good conductor hala as the ions are free becomes free sete ions pura kon hoye free he jaye hala chalo next दे आर हार्ड तो से कौन स्ट्रक्चर बहुत हार्ड थाए आउ ब्रिटल ब्रिटल मीन्स कौन तो जमी जस्ट लाइक ग्लास ग्लास को देखु हार्ड अच्छी टी बाड़े देव कौन हो भांगी जीव तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटल है तो हार्ड एंड ब्रिटल
एंड बिकॉज दे आर स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन देर प्रिजर्वेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो जो स्टेबिलिटी डिपेंड करुच्छे कौन को टाइप ज्योमेट्रिकल पैटर्न किंवा को टाइप स्ट्रक्चर अच्छे बुझिपाल पे तो से स्ट्रक्चर कौन हार्ड आउट है ब्रिटल है जमी लुण लुण गोटे कौन हार्ड अच्छी तो जमी जोर से टी करदे कौन हो कौन गुंड गुंड हो जाए बुझिपाल। तो युवा सब कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से वीडियो को बुझिपार्थ देखिए स्टूडेंट जो टाइप पूरा डिटेल्स वीडियो तुम पढ़ाया चाहो पूरा फुल कोर्स वीडियो विथ नोट्स तुम एवरीथिंग सिलेक्शन क्वेश्चन जो तुम पाया चाहो तुम आम ग्रुप जॉइन हो जाओ। तो यही नंबर को कांटेक्ट करो पिले 9040607886 यही नंबर को कांटेक्ट करके तुम ग्रुप जॉइन हो पार। तो ओनली कितने पिले तुम 300 rupees पर पेपर बुझिपाल पिले 300 rupees पर पेपर है तुम आराम से 1200 rupees रे टोटल फिफ्थ सेमिस्टर कंप्लीट हो बुझिपाल पिले टोटल 1200 rupees रे पूरा फिफ्थ सेमिस्टर तुम कौन हो कंप्लीट हो बुझिपाल पिले। तो सब डिटेल्स तुम वीडियोस रोज पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन कराव तर नोट्स प्रोवाइड कर दिया सिलेक्शन क्वेश्चन मान दिया बुझिपाल पिले। तो जो मैंने ग्रुप जॉइन कराया चाहो फटाफट यही नंबर में कांटेक्ट करके तुम आराम से ग्रुप जॉइन करपर है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।